मौत हुई नहीं, की गई थी। नॉर्मल डिलीवरी करी, जिस वजह से मेरे अजन्म बच्चा भी खत्म हो गया और कुछ घंटों बाद मेरी मिसेज का भी। ऑपरेशन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करना है ये आप डिसाइड थोड़े करेंगे। बहाना या आड़ कोरोना का हो, लेकिन मौत तो हुई है। मतलब ब्लड कम होने के बावजूद, कहने के बावजूद भी ब्लड नहीं चढ़ाया गया, और आरएमएल की जो डेथ समरी है उसमें ब्लड की ही वजह बताई गई है मेरी मिसेज की जो डेथ हुई है। मतलब ब्लड ही बताया गया कि ब्लड कम होने की वजह से और ब्लड बहने की वजह से ही मृत्यु हुई है उनकी, और दिल जो है सिकुड़ता चला गया, पंप नहीं कर रहा था, ये डॉक्टर ने बताया मुझे, तो इसी वजह से उनकी डेथ हुई है। और फाइल पे डुप्लीकेट मेरे साइन किए गए, और उनका ब्लड ग्रुप, यहाँ तक कि रेफर पर्चे पे ब्लड ग्रुप भी चेंज कर दिया था सर। नमस्कार, मैं जय निवास, कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको लिए चलता हूँ बाहरी दिल्ली इलाके के कुशक क्षेत्र में, जहाँ दर्द विराधक हादसा हुआ है। और कहते हैं ना, डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर पर आरोप है जच्चा बच्चा को दोनों को जान से मारने का, और इसमें एक परिवार पूरा बुरी तरह बिखर चुका है। आइए हम आपको लिए चलते हैं अगले स्क्रीन पर, उस लेडीज के जो पति हैं, बच्चे के पिता हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, आप देखिए लाइव। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, दर्दनाक घटना नवयुवक के साथ हुआ था, जो अभी पूरी दुनिया चलना था, लेकिन बीच रास्ते में जीवन साथी छोड़ गई, और छोड़ने का कारण डॉक्टर है, जिसे दिल्ली में भगवान कहा जाता है। कोरोना काल में डॉक्टर को भगवान का भी संज्ञा दिया गया, लेकिन इसी डॉक्टर ने इनके मिसेज बच्चे की जान ले ली, ऐसा इनका आरोप है। गोपाल जी, बताइए पहले क्या क्या हुआ था आपके साथ। सर, मैं यहाँ से डिलीवरी के लिए अपनी मिसेज को ईएसआई हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 15 में ले गया, जहाँ पर कि लेबर रूम, ईएसआई अस्पताल जी, लेबर रूम में मेरे को रेफ़र कर दिया वहाँ से, जहाँ पर आपातकालीन में ले गया था मैं, इमरजेंसी में, वहाँ से मेरे को रेफर रूम में, वो लेबर रूम में भेज दिया गया। वहाँ पर जाँच के बाद बताया कि आपके मिसेज और आपके बच्चा दोनों ठीक हैं, और मतलब कि स्टार्टिंग में तो मना कर रहे थे लेने के लिए कि हम आपको नहीं ले, आपकी मिसेज को नहीं लेंगे, कहीं और ले जाइए, मतलब अम्बेडकर में ले जाइए या जाहिंगपुरी, कहीं भी ले जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब कार्ड हमारा यहाँ का बना हुआ है, मैं कहीं और क्यों ले जाऊँ। तो कहने लगे कि यहाँ पे पेशेंट निकला है कोरोना का, और आप कहीं और ले जाइए, यहाँ पर इलाज नहीं होगा। मैंने कहा एक बार आप तो आप रेफ़र कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। आप संक्षिप्त में बताएं कि डेथ कैसे हुआ। डेथ लापरवाही से हुआ है सर, उनकी और बेबी का वजन 4 किलो 200 ग्राम था, और उल्टा था, जबकि ऑपरेशन होना था, लेकिन इन्होंने लापरवाही करी मेरी मिसिज के साथ और ऑपरेशन नहीं किया अपनी। लापरवाही किस तरह की थी? ऑपरेशन नहीं किया सर, कहने के बावजूद भी हमने भी गुहार लगाई कि ऑपरेशन कर दो, क्योंकि हमारा पहला बच्चा था वो भी 3 किलो 800 ग्राम का था, उस हिसाब से ये बच्चे का वजन हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि बड़ा है, तो हमने कहा भी था उन्होंने, लेकिन मेरी मिसेज को भी धमका दिया गया, मुझे भी धमका दिया गया। अपनी मर्जी से नॉर्मल डिलीवरी करी, जिस वजह से मेरे अजन्म बच्चा भी ख़त्म हो गया, और कुछ घंटों बाद मेरी मिसेज का भी देहांत हो गया। और मिसेज का देहांत ईएसआई अस्पताल में हुआ क्या? नहीं, आरएमएल में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रेफ़र किया अपनी जान बचाने के लिए, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि आपकी मिसेज को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, हो सकता है इनको ये पॉजिटिव हो कोरोना की, इसलिए उन्होंने वहाँ रेफ़र किया, जबकि ये रिपोर्ट में भी नेगेटिव था, और हमने भी कहा था कि सर ऐसी कोई परेशानी नहीं है। वो कह रहे कि जो वायरस है वो जो पॉजिटिव निकल रहा था उसका कहीं हवा के जरिए आपके मिसेज को लग गया है, जिस वजह से ये पॉजिटिव हो सकती है, जो परेशानी हो रही है वो उसी वजह से हो रही है, तो आपको हम वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन वहाँ रेफ़र करते समय भी हमें आरएमएल में गेट पे ही छोड़ के एम्बुलेंस चली गई, वहाँ 1 घंटा करीबन मेरी मिसेज वहाँ भी स्ट्रेचर पे बिना ऑक्सीजन के पड़ी रही। उसके बाद भी फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर मैंने बोला काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि आप वहीं ले जाइए जहाँ से आप लेके आए हो। तो मैंने कहा सर ऐसे तो मिसेज की जान चली जाएगी, तो कहने लगे तो आप इमरजेंसी में ले जाइए। वहाँ इमरजेंसी में ले गया, वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि आपको कोरोना लिख के दे दिया कि ये संक्रमण जो है कोरोना के लग गए। तो मैंने कहा सर मतलब ट्रीटमेंट वगैरह, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया,
और उसके बाद फिर कुछ घंटों बाद मेरी मिसेज की डेथ हो गई। कुछ घंटों डिलीवरी के कुछ घंटों बाद? जी कुछ घंटों बाद, मतलब मेरी मिसेज की डिलीवरी 3:40 पर हुई थी। उसके बाद, हाँ जी दोपहर को उन्होंने, उसके बाद मेरी मिसेज के स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। मिसेज की डेथ कब हुई? 16 तारीख को। कितने बजे? सुबह 4 बजे। ये देखने योग्य और जांच का विषय है कि डिलीवरी दोपहर बाद 3:00 पर हुई है और डेथ जस्ट कुछ घंटे बाद 16 तारीख को, यानी तड़के 16 तारीख को हो गया है। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? डॉक्टर भैरवी हैं। डॉक्टर भैरवी का नाम आप बार बार ले रहे हैं, क्या कारण है? सर वही HOD हैं, उन्हीं के अंडर से, यानी कि उन्हीं के आदेश से ही सब काम होते हैं, वही करवाती हैं। मतलब कि उन्होंने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी, बच्चा डेथ कर गया उनकी लापरवाही से। उन्होंने ऑपरेशन करना चाहिए था, जबकि सही निर्णय ऑपरेशन है, नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अपनी मर्जी से नॉर्मल डिलीवरी करी कि इसे हो सकता है हम ऑपरेशन करेंगे तो कहीं से हमें ऑपरेशन करने में अपने आप को यूज करना पड़ेगा तो कहीं से हमें ये लंग ना जाए वायरस, उसकी वजह से उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करी कि पेशेंट पड़ा रहा। और जब मेरी मिसेज तड़प तड़प के बुरी हाल हो गया तो उन्होंने बच्चे को निकाला, खींच तान करके उल्टा सीधा जैसे भी डिलीवरी करी, जिस वजह से मेरी मिसिज के भी। डिलीवरी केस में ऑपरेशन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करना है ये आप डिसाइड थोड़े करेंगे, तो डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर करेगा तो सर जो नियम होता है, मतलब कि बच्चा बड़ा हो, मिसिज का वजन ज़्यादा हो, तब भी ऑपरेशन ही एक वो बताया गया सही, और मतलब उल्टे में भी ऑपरेशन ही बताया गया है ये कहा। जांच रिपोर्ट में कहीं कोरोना आया था क्या? नहीं, नेगेटिव है। RML में डेथ के बाद सैंपल लिया गया था, उसमें नेगेटिव है। इन्होंने खुद लिया था, जबकि 16 तारीख को रिपोर्ट आ गई थी इनके हाथ में, मुझे नहीं बताया का कॉल करके कि बता देते मेरी मिसिज की बॉडी लेने के लिए भी। मैं काफ़ी हरासमेंट हुई, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागा, हाथ पर हिलाए, और इन्होंने, मैं गया भी था रोहिणी सेक्टर 15 में कि रिपोर्ट मिल जाए, उन्होंने एक फ़ोन दे दिया, कह रहे इससे फ़ोटो ले लो, मेरे को रिपोर्ट तक नहीं दी गई। सभी से अपनी मिसिज के जो लापरवाही हुई है, जिससे मेरे अजन्म में बच्चे की मृत्यु और मेरी मिसिज की मृत्यु हुई है, मैं ही चाहता हूँ जो दोषी है उससे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए सर, और जो मेरे बच्चे ये अनाथ हुए हैं इनको मुआवजा मिलना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सवेरे 7 बजे यहाँ से लेके चले, 7:20 पे हॉस्पिटल में मरीज को दाखिल कर दिया गया, उसके बाद में 2 बजे तक मरीज से कोई हाथ नहीं लगाया गया, ना ही उसकी जांच पड़ताल की गई। सर ऐसा है कि जब 2 बजे के बाद में डिलीवरी की गई, जब की गई कि जब मरीज की हालत ख़राब हो गई, उसके बाद में जब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, उसके बाद में बच्चे की डिलीवरी कराने के बाद उन्होंने बच्चे को, मरे हुए को बच्चे के पिता के हाथ में सौंप दिया, और उसके बाद में मरीज की कोई भी परीक्षण नहीं किया गया, कोई भी देखभाल नहीं हुई, कोई भी चेकअप नहीं हुआ, इस कारण से मरीज की मौत हुई है। पूरी पूरी डॉक्टरों की लापरवाही से ही मौत हुई है। आप क्या कहेंगे माता जी, क्या कुछ बहू कैसी थी? ठीक थी बेटा, वो तो डब्बे में पैक करके दिखा दिया लड़का मुझे, मैं कह दी को उल्टा हुआ है, देखा सांस आई के जन नहीं आई, अभी देखा देखिए मेरा तो जीव। अभी शादी के कितने साल हुए थे? 8वीं लग रही थी गई, 8वीं लग रही थी, 7 साल बीत गए। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर इसमें जिम्मेदार हैं? हाँ बेटा, अब डॉक्टर देखते तो फिर मैंने हाथ ही ना लगा, मैंने भी हाथ पैर जोड़े, मैंने की मैं देख लो। समय में डॉक्टर को तो भगवान माना गया है, आप क्या कहेंगे? मेरी बहू को कछु नहीं था, मैंने जो कह दी कि जब कोरोना कछु नहीं, बाबा BP हाई हो जाता था बस। सर वो मेरी बड़ी बहन थी, वो सबसे बड़ी, ठीक है, काफ़ी घर परिवार में सब बढ़िया था, मतलब सब सही चल रहा था, कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा अचानक से, लेकिन जो भी हुआ ये सब पूरा डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ, ठीक है, और मतलब जो भी है ऐसा होना नहीं चाहिए था, मतलब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो मतलब इस तरीके से इतना टाइम से होल्ड की गई है कार्रवाई। क्या कहेंगे, आपकी भाभी की डेथ हुई है? मैं बस इतना कहूँगा कि इन डॉक्टरों को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए, इनसे सख्त से सख्त सजा दी जाए इन्हें। तो आपने एक ऐसे परिवार की कहानी अपने स्क्रीन पर देखी जिसकी मौत हुई नहीं, की गई थी।
बहाना या आड़ कोरोना का हो, लेकिन मौत तो हुई है। वाकई अगर इन परिवार की मारे, इन पीड़ितों की माने, तो इसमें डॉक्टर पूरा पूरा जिम्मेदार है। अब कार्रवाई क्या होना चाहिए, यह प्रशासन सरकार की बात है। ऐसे अगर हम कहें तो इस परिवार ने समझदारी दिखाते हुए चिकित्सा अधीक्षक रोहिणी, ईएसईआई महानिदेशक, मेडिकल कमिश्नर ईएसआईसी, सीपी ग्राम पीजी पोर्टल, MC1 DMC PSK KM काटुजा मार्ग एवं सेक्रेटरी श्रम मंत्रालय को भी नोटिस देते हुए आग्रह किया है, शिकायत किया है कि इंसाफ मिले और मुआवजा मिले। आप देखते रहें दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।